भाई और बहनों, हमारे लिए तो भारत माता की जय, यही हमारी भक्ति है और वंदे मातरम का उद्घोष ये हमारे जीवन की शक्ति है। मां भारती की समृद्धि, सुरक्षा और शांति का ही ये दायित्व है जिसे हम 130 करोड़ भारतीय मिलकर के निभा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है। भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है क्या? ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, यही वो लोग हैं जिन्हें भारत की बात करने से भी शिकायत है। वो कहते हैं मोदी आतंकवाद की बात क्यों करता है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, राष्ट्र रक्षा और आतंकवाद ये मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है कि नहीं है? जिस बात की समझ आपको है, देश की जनता को है, वो इन स्वार्थी वंशवादियों को नहीं है। महामिलावट करने वालों, जिस आतंकवाद ने श्रीलंका में 350 से ज्यादा मासूम लोगों को इसी हफ्ते उनकी जान ले ली, क्या ये मुद्दा नहीं है क्या? हमारे आस पड़ोस में ही आतंकी फैक्ट्रियां चल रही है और आतंकवाद कहते हैं मुद्दा नहीं है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो मेरे देश के गरीबों का हुआ है। 40 साल पहले हमारे देश में न नेताओं के साथ इतनी पुलिस लगानी पड़ती थी, न रेलवे के डिब्बे चेक करने के लिए पुलिस लगानी पड़ती थी, न बस अड्डे पर पुलिस लगानी पड़ती थी, न भांति भांति की टेक्नोलॉजी लानी पड़ती थी, न मंदिरों के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न मस्जिद के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न गुरुद्वारे के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी। हर कोई सामान्य जिंदगी जीता था। आज जो पैसा गरीबों के लिए काम आना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए स्कूल बनना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनना चाहिए, 40 साल से ये पैसे बम बंदूक और पिस्तौल में हमें खर्च करना पड़ रहा है और ऊपर से हमारे गरीब माँ बाप के बेटे जो सेना में जाते हैं, सुरक्षा बलों में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनको 24 घंटे नींद नहीं मिलती। नींद भाइयों, इतनी इनको मेहनत करनी पड़ती है और एकाध घटना घट गई तो उनकी तो बेचारों की नौकरी चली जाती है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाइयों बहनों का किया है। जो उनको मिलना चाहिए था वो पिस्तौल खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है, जो उनको मिलना चाहिए था वो बंदूक लाने में जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के गरीबों का भला करने के लिए भी
आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। महामिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आतंक के अड्डों में घुस करके मारेगा। साथियों, इन लोगों की इसी सोच की वजह से दरभंगा ने भी आतंक को बहुत करीबी से देखा है। इन लोगों की इसी सोच की वजह से देश को आतंक का ऐसा मॉड्यूल मिला जिसने दरभंगा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो दिन और थे। आपका ये चौकीदार चौकन्ना है, न कोई मॉड्यूल रहेगा और न ही कोई मिलिटेंट बचेगा।